दोस्तों आज हम कवर करेंगे फरवरी मंथ का फुल करंट अफेयर ट्रिक से। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो कंप्लीट देख लेंगे ना, ये सभी क्वेश्चन आपको इजीली याद हो जाएंगे। इससे पहले हम मार्च मंथ का फुल करंट अफेयर ट्रिक से आपको करा चुके हैं, आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। फिर आप लोगों की डिमांड आई थी सर जनवरी फरवरी का भी और कराइए ट्रिक से, तो भाई अभी फरवरी का लेकर आए आपके लिए और इसके बाद जनवरी मंथ का भी फुल करंट अफेयर हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, धन लक्ष्मी बैंक के नए MD वे CEO कौन नियुक्त किए गए? आपको 3 सेकंड तो भाई मिलते ही मिलते हैं। ऑप्शन ए सुनील गुरबाक्षनी। धन लक्ष्मी बैंक के नए MD वे CEO नियुक्त किए गए हैं सुनील गुरबाक्षनी, याद कैसे रखेंगे। अब बात हो रही है धन लक्ष्मी की। अब बंदा कह रहा है कि भाई मेरे घर में धन कब आएगा, लक्ष्मी कब आएगी, धन कब आएगा, लक्ष्मी कब आएगी, मैं तो परेशान हो गया। अब किसी ने जवाब दिया सुनील, यानी कि सुन ले भाई, तेरे घर में धन लक्ष्मी आएगा गुरबाक्षनी, गुरु बाका हो गया बाबा, गुरु बाबा की दया से, गुरु बाबा की कृपया से तेरे घर में धन लक्ष्मी आएगी, कान खोल के सुन ले, यानी कि सुनील गुरबाक्षनी। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना हुई 1927 में, मुख्यालय केरल के त्रिशूर में। नेक्स्ट, फ्रांस में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी जावेद अशरफ। अब जावेद का हो गया ज्यादा, यानी कि ज्यादातर, अशरफ का अफसर, ज्यादातर अफसर सरकारी पैसे में कहां घूमने जाते हैं? फ्रांस, फ्रांस के पेरिस में, वो फ्रांस के फैन है। तो भाई बस इतना याद रखना, जावेद अशरफ यानी कि ज्यादातर अफसर फ्रांस घूमने जाते हैं। तो फ्रांस में भारत के नए राजदूत हो गए जावेद अशरफ। देखिए दोस्तों, हर रोज नया करंट अफेयर आता है, कंफ्यूज रहते हैं हम किसे याद करें किसे छोड़ें, बहुत कुछ याद करने के बाद भी हम उसे भूल जाते हैं, तब भाई वहां पर काम आती है ट्रिक। एक बार इमेज से समझ लीजिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहां से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन बी गोपाल बागले। अब बागले का हो गया भागले, 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 कौन कह रहे थे? श्रीलंका से आपको याद आता है भाई, श्री राम भगवान ने श्रीलंका पर चढ़ाई की थी, क्यों? रावण के कारण। तो वहां के लोग क्या कहने लगे, बागले बागले भागले भागले भागले, क्यों? क्योंकि राम भगवान अपनी मानव सेना लेकर श्रीलंका पर चढ़ाई कर चुके थे, तो वहां के लोग सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे थे, क्या? बागले बागले, जिसे मौका मिले वो ही बागले बागले। और यहाँ है गोपाल बागले, बागले का तो हो गया भागले, और गोपाल वो भी भगवान ही है ना, राम भगवान गोपाल कृष्ण भगवान सेम हो गया। नेक्स्ट, कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल। अब देखिए कोल इंडिया, कोल घोटाले बहुत होते थे इंडिया में, पर मोदी जी के आने के बाद, प्रमोद, प्रमोद का हो गया, पर मोदी जी के आने के बाद इंडिया में कोल घोटाले नहीं हुए अभी तक, आगे का पता नहीं भाई, हमें तो सिर्फ याद करना है कोल इंडिया के नए चेयरमैन हो गए प्रमोद अग्रवाल, पर मोदी जी के आने के बाद कोल घोटाले नहीं हुए इंडिया में। नेक्स्ट, मास्टर कार्ड के नए CEO कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए माइकल माइबेस, पहले थे अजय बंगा, उनकी जगह आ गए हैं माइकल माइबेस। अब देखिए माइकल का हो जाएगा माइकल, माकल, माइबेस, मेरी बहस हो गई, माकल मेरी बहस हो गई, किससे? मास्टर जी से, पर क्यों? सभी बच्चों को कार्ड दे दिए, मुझे कार्ड नहीं दिया, मास्टर कार्ड, मास्टर जी ने सभी बच्चों को कार्ड दे दिए, मुझे कार्ड नहीं दिया, इसलिए माँ कल मेरी बहस हो गई मास्टर जी से। तो मास्टर कार्ड के नए CEO हो गए माइकल माइबेस, ये बोल मत जाइयो भाई, हंसी आ रही है तो खुल के हंस लो। मास्टर कार्ड की स्थापना हुई 1966 में, मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, पॉलिसी बाजार के नए CEO कौन बन गए हैं? जवाब दीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन सी सरबवीर सिंह तो बिल्कुल सही जवाब चुना है, याद कैसे रखेंगे। अब यहां है पॉलिसी बाजार, पॉलिसी का हो गया पुलिस और बाजार का बाजार, भाई पुलिस बाजार से उठा लेती है किसे? सरबवीर, सरब, शराबी को, या फिर हम कह सकते हैं शरारती को, जो शराबी होते हैं शरारती होते हैं उसे पुलिस भरे बाजार से उठा ले जाती है। तो पॉलिसी बाजार के नए CEO हो गए
सरबवीर सिंह। सरब शराबी हो चाहे शरारती हो, पुलिस भरे बाजार से उठा ले जाएगी मेरे भाई। नेक्स्ट, गो एयर के नए सीईओ कौन बन गए हैं? ऑप्शन डी विनय दुबे। विनय दुबे का हो गया दुबले पतले। विनय इतने दुबले पतले हैं कि गो एयर गो हो जाते हैं जरा सी एयर चलते ही, जरा सी हवा चली ना, इतने दुबले पतले हैं कि उड़ जाते हैं हवा में, गो एयर गो हो जाते हैं एयर के साथ। कौन? विनय। क्यों? क्योंकि वो दुबले पतले हैं, तो विनय दुबे हो गए गो एयर के नए सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 40वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। अब बात हो रही है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक का हो गया बुद्धिमान। अब बुद्धिमान बंदे क्या करते हैं? रुपयों को, पैसों को दोगुना कर देते हैं चुटकी बजाते ही। अब इंडेक्स कौन सा है? यहां पर 2020 की बात कर रहे हैं। अगर किसी बुद्धिमान बंदे को 20 रुपए दिए तो वो चुटकी बजाते ही उसके दोगुने कर देगा। कितने? 40। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 40, और हम जैसे किसी बेवकूफ को दे दिए तो 2 मिनट में 20 रुपए के गोलगप्पे खा के उसे कर देंगे 0। ये भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, स्थिरता सूचकांक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी 77वां, 7-7। अब बात हो रही है स्थिरता की, कि भाई हम स्थिर कब रहेंगे, मजबूत कब रहेंगे? जब हम सब साथ साथ रहेंगे, यानी कि 777, 77। हम स्थिर कब रह सकते हैं? जब हम सभी एक साथ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, तभी हम स्थिर रह सकते हैं, पड़ोसी देशों से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन शर्त है हमें साथ साथ रहना पड़ेगा। 777। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया? ऑप्शन बी 27 फरवरी को, और इसकी थीम रखी गई थी प्रोटीन क्या है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि भाई ये भारत का पहला प्रोटीन दिवस था, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब इसे याद करेंगे ट्रिक से। अब एक बंदा है बिल्कुल कमजोर सा, डॉक्टर साहब के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब देखिए मुझे क्या हो गया। डॉक्टर ने फट से बोला आप प्रोटीन लीजिए, और लेनी कैसे मैं बताता हूं आपको। दिन में 2 बार, हफ्ते में 7 दिन, 2-7 अपना कवर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बंदे को आपको प्रोटीन लेनी है दिन में 2 बार और हफ्ते में 7 दिन, फिर आप देखिए आप फर्राटे भरेंगे, आप फरफर करते उड़ेंगे, यानी कि फरवरी। लेकिन शर्त है प्रोटीन लेनी होगी दिन में 2 बार, हफ्ते में 7 बार, फिर आप फर्राटे मारते घूमेंगे, फरफर फरफर करते उड़ेंगे, यानी कि 27 फरवरी। और प्रोटीन दिवस की इस बार की थीम रखी गई है प्रोटीन में क्या है। नेक्स्ट, विश्व एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 27 फरवरी। भाई जिस दिन हमने प्रोटीन दिवस मनाया उसी दिन विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। अब प्रोटीन दिवस की हमारी थीम क्या थी? प्रोटीन क्या है। अब ये पूरे विश्व में कौन बता रहा है? एनजीओस। कब? 27 को ही बता रहे हैं, 27 फरवरी को, तो बिल्कुल इजी हो गया ना। एनजीओ दिवस 27 फरवरी को, वो प्रोटीन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे विश्व में, विश्व एनजीओ 27 फरवरी। नेक्स्ट, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बिल्कुल ईजी है मेरे भाई, 13 फरवरी को। और विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या रखी गई? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। अब देखिए विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को, 13 में 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, और फरवरी का हो जाएगा फरारी। भाई मैं रेडियो सुनता हूँ, FM सुनता हूँ, कब? 1 से 3 घंटे तक। कभी 1 घंटा सुन लेता हूँ और कभी कभी 3 घंटे भी सुन लेता हूँ, पर कब? जब मैं अपनी फरारी में लॉन्ग ड्राइव पर जाता हूँ। और इसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का हो गया डर सीट पर, ड्राइवर सीट पर बैठकर मैं रेडियो सुनता हूँ, FM सुनता हूँ अपनी फरारी कार में, कब? 1 से 3 घंटे तक। तो 13 फरवरी हो गया विश्व रेडियो दिवस। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बिल्कुल ईजी है मेरे भाई, ऑप्शन सी 4 फरवरी। अब देखिए हम फरारी में घूम लिए 1 से 3 घंटा, हमने रेडियो सुन लिया, FM सुन लिया। अब किसी बंदे को कैंसर हो जाता है ना, तो वो चारों खाने चित हो जाता है और फड़फड़ाने लगता है। पहले तो फरफर कर रहा था, उड़ रहा था, पता चला कि भाई किसी बंदे को कैंसर है,
तो वो बेचारा चारों खाने चित हो जाता है और फड़फड़ाने लगता है। 4 फरवरी हो गया विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट, लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। लोसर का हो गया, लो सर जी, लो गुरु जी, हमने तो होमवर्क कर लिया, लेकिन हिमा होमवर्क नहीं करके लाई, छुपी बैठी है कोने में, तो सर ने आवाज लगाई, हिमाचल होमवर्क दिखा। अब हिमा झट से आई, लो सर देख लो, लो सर चेक कर लो, मैंने तो होमवर्क कंप्लीट किया है। तो लो सर उत्सव हो गया हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सदगुरु। इनका पूरा नाम है जग्गी वासुदेव। अब देखिए, डेथ इन इनसाइड स्टोरी, भाई डेथ कैसे हुई, इसकी इनसाइड स्टोरी कौन बता सकता है, इसकी कहानी कौन सुना सकता है? जो सदगुरु होगा, सच्चा गुरु होगा, वो ही बता सकता है डेथ की इनसाइड स्टोरी। नेक्स्ट, बिल्कुल ईजी है मेरे भाई, किस राज्य ने पीवी सिंधु को अपना एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। और ये बिल्कुल ईजी है इसलिए क्योंकि मेरे भाई पीवी सिंधु भी आंध्र प्रदेश से ही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन फरवरी 2020 में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी नई दिल्ली। अब देखिए, किसी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर न्याय चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? राजधानी में जाएंगे, नई दिल्ली जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की स्थापना किस राज्य सरकार ने की? ऑप्शन बी तेलंगाना ने। अब तेलंगाना का हो गया तेज गाना, क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत, तेज गाओ भाई मिलकर, क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत, तेज गाओ तेज गाओ, तेलंगाना। नेक्स्ट, भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी गोवा। देखिए, भारत में पहले तैरते घाट का उद्घाटन किया गया गोवा में। बिल्कुल ईजी, एक बार देख लेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ट्रिक की इनमें जरूरत नहीं। नेक्स्ट, भारत में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत कहां की गई? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। देखिए, भारत में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई महाराष्ट्र। नेक्स्ट, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? कमेंट्स बॉक्स में बताना भाई, बिल्कुल एजुकेशन है और मैंने तो पूरा भरोसा, भाई तुम इसका सही सही जवाब दोगे, तो भाई कमेंट्स बॉक्स में इसका सही जवाब देना। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष भारत व अन्य किस देश के मध्य हुआ? ऑप्शन बी ब्रिटेन। देखिए, वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ। अब ब्रिटेन का हो गया बेटा, बंदा कह रहा है कि भाई मेरा बेटा ना इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह जगमगाता है, चमचमाता है, कौन? मेरा बेटा, यानी कि ब्रिटेन। और युद्ध अभ्यास हो गया इंद्रधनुष। एक युद्ध अभ्यास और भी है, अजय वॉरियर, ये भी भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए जगन्नाथ वासुदेव योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए जगन्नाथ वासुदेव योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट, 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट निम्न में से किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन बी डी मुकेश। 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता डी मुकेश ने। डी का हो गया डीजे वाले और मुकेश मुक्के, मन करता है डीजे वाले को मुक्का मार दो, क्यों? क्योंकि डीजे इतनी फुल वॉल्यूम में बजा रखा है कि मेरा कान ओपन हो गया, कान सुन हो गया, कान ओपन टूर्नामेंट जीता डी मुकेश ने। जी करता है डीजे वाले को मुक्का मार दूं, डी मुकेश। नेक्स्ट, नाडू नेडू योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार ने। देखिए, नाडू नेडू योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुरू की है। नाडू नेडू का मतलब होता है हमारा स्कूल तब और अब। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तेलुगु लोगों को सुधारना, उनको शिक्षित और विकसित करना। नेक्स्ट, द थिन मैप बुक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र रॉय। अब धर्मेंद्र का नाम आते ही हमें याद आते हैं
धर्मेंद्र जी, शोले वाले धर्मेंद्र जी। माँ कसम बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और पुस्तक है द थिन माइंड मैप बुक। थिन का हो गया तीन, माइंड में भाई अपने माइंड में तीन बंदे आते हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शोले फिल्म के गब्बर अमजद खान। और वो माइंड में एक बुक की तरह छपी हुई है वो फिल्म, शोले फिल्म। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बन गए हैं? ऑप्शन सी ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन में नए वित्त मंत्री बन गए हैं। और मुझे भी एक ऋषि मुनि साधु संत महात्मा जी, ऋषि जी बोलते थे हमेशा कि सुन 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 सुन, तू बेटा एक दिन पैसे वाले बनेगा, वित्त वाला बनेगा, वित्त मंत्री बनेगा। और ये बात कौन बोलता था? ऋषि मुनि बोलते थे मुझे। नेक्स्ट, डेन डेविड पुरस्कार 2020 विजेता कौन है? ऑप्शन डी गीता सेन। यह पुरस्कार डेन डेविड फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। गीता सेन को क्यों दिया गया? महिलाओं के अधिकारों, यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में असराहनीय कार्य करने के लिए गीता सेन को यह पुरस्कार दिया गया। याद कैसे रखेंगे? डेन का हो गया डॉन और डेविड का हो गया डेविल। भाई जो भी डॉन है, डेविल है, अगर उन्हें सुधारना है ना, तो उन्हें गीता सेन सुना दो, गीता का पाठ सुनाओ उन्हें, गीता भगवत गीता उन्हें सुनाओ, जितने भी डॉन है, डेविल है, वो सब सुधर जाएंगे। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन वैश्विक बैठक 2020 आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी केरल में। जलवायु परिवर्तन वैश्विक बैठक 2020 का आयोजन केरल में किया गया। नेक्स्ट, यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन में। यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? ऑप्शन बी पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ के साथ ही हमारे जितने भी वीडियो, उन सभी का पीडीएफ आपको मिल रहा है हमारे एंड्रॉयड ऐप जीके महात्मा जी से, वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। और मार्च मंथ की मंथली करंट अफेयर ट्रिक से जो हमने आपको कराई थी, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी। देखिए, विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई है हिंदी। पहले नंबर पर है मांडरिन चाइनीज, दूसरे नंबर पर है इंग्लिश। नेक्स्ट, अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको किसी भी मंथ की करंट अफेयर चाहिए तो भी भाई आप कमेंट्स कर देना, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर ट्रिक से करंट अफेयर बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।